प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अमृत भारत स्टेशन अंतर्गत आकुड़ी रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का भूमि पूजन ऑनलाइन किया जाएगा। भाजपा के स्थानीय विधायक, नगर सेवक, पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी विधायक उमा खापरे ने दी है। उस अवसर पर शहर अध्यक्ष शंकर जगता, पूर्व सत्तारूढ़ नेता नामदेव ढाके, सदाशिव खाड़े, राजू दुर्गे, अनुप मोरे, अमित गोरखे, संजय मुंडे आदि उपस्थित थे। नामदेव ढाके ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एट नाइन के उपलक्ष्य में पिंपरी चिंचवड शहर में घर घर तिरंगा, वंदे मातरम, रघुपति राघव राजा राम जैसे देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कल भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से इसका ऑनलाइन भूमि पूजन होगा। यह लगभग साल भर तो जा सकता है उसमें, क्योंकि इसमें दो एंट्रीज रहेगी क्योंकि अभी एक ही है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पीने की पानी की व्यवस्था होगी, वेटिंग रूम होगा, और अपना पार्किंग के लिए जो फोर व्हीलर रहते हैं, टू व्हीलर रहते हैं, पार्किंग का बहुत दिक्कत आकुड़ी रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, तो वो भी होगा, सुशोभीकरण होगा। इस माध्यम से हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में 44 जगह पे ये होने वाले हैं रेलवे स्टेशन लिए, उसमें पिंपरी चिंचवड़ लिया है, पुना के इसमें पुणे जिला में पिंपरी चिंचवड़ वो भी आकुर्डी स्टेशन लिया है, इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पे हो रहा है। कल सवेरे 11 बजे यह आकुर्डी स्टेशन पे होगा। ये यात्रियों की जो समस्या है, चार चार महीने वेटिंग बहुत रहता है, और खासतौर पर उत्तर भारत की गाड़ियों में, इसके लिए आपके तरफ से क्या मतलब संदेश रहेगा या क्या प्रपोजल जाएगा? अभी वेटिंग जो रहता है रेलवे का, वेटिंग जो रहता है, जो फर्स्ट आएंगे उनका बुकिंग होता है, तो रेलवे का तो वेटिंग होता ही है। मतलब रेलवे तो उसमें रेल गाड़ियाँ कम है ना, रेलवे गाड़ियाँ है तो नई गाड़ी होना चाहिए, वीकली को डेली करना चाहिए, उसकी मांग नागरिकों की तरफ से आएगी तो जरूर, नागरिक तरफ से बहुत मांग गई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उसके बारे में आप क्या कर सकते? हमारे पास आप लाके दीजिए, यह मांग जो होगी तो हम इसकी मांग केंद्र सरकार से करेंगे कि हमें गाड़ियां ज्यादा चाहिए, क्योंकि वेटिंग ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।